नमस्कार हिमाचल। हिमाचल अभी अभी .com से मैं दिव्या पेश है आज के मुख्य समाचार। जयराम का सवाल, विपक्ष को जवाब क्यों नहीं देती धर्मशाला की सामाजिक संस्थाएं। अटल के नाम से जाना जाएगा तकीपुर कॉलेज। रानीताल में खुलेगा जल शक्ति विभाग का सब डिवीजन। विक्रमादित्य बोले, सिलेंडर के दाम बढ़ाकर बीजेपी ने लिया दिल्ली की हार का बदला। वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस को किया आगाह, सुधारे राजनीतिक स्थिति। मनाली में मंडी पुलिस की कस्टडी से 4 आरोपी फरार, 1 एएसआई सहित 3 कर्मचारी सस्पेंड। ड्राइविंग सीखते हुए टौणी देवी के लोहाखर में खाई में गिरी कार, 2 लोगों की गई जान। अब 2 ही शस्त्र रख सकेगा कोई भी व्यक्ति, तीसरा करवाना होगा जमा। इस बार 2,17,555 छात्र देंगे बोर्ड परीक्षाएं, 15 से प्रैक्टिकल। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि धर्मशाला में सरकार की ओर से करवाए गए मेगा इवेंट पर विपक्ष सवाल उठाता है। जब विपक्ष सवाल उठाता है तो कांगड़ा का कोई नेता, सामाजिक संस्थाएं, होटल एसोसिएशन जवाब देने के लिए क्यों आगे नहीं आते। ऐसा लगता है कि उन्होंने धर्मशाला में इन्वेस्टर्स मीट करवाकर गलती तो नहीं कर दी। ये बात उन्होंने शीतकालीन प्रवास के दूसरे दिन सुबह सर्किट हाउस में होटल एसोसिएशन मैक्लोडगंज धर्मशाला के अध्यक्ष अश्वनी बांबा की अध्यक्षता में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल के समक्ष कही। सीएम जयराम ठाकुर आज कांगड़ा विधानसभा के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने कई उद्घाटन व शिलान्यास किए। कांगड़ा के तकीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने तकीपुर कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने रानीताल में जल शक्ति विभाग का सब डिवीजन खोले जाने का भी ऐलान किया। इसके अलावा पीएचसी त्यारा को अपग्रेड करने की भी घोषणा की है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने रसोई गैस के दामों में वृद्धि के केंद्र सरकार के फैसले को दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार का लोगों से बदला लेना करार दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में मिली हार के गुस्से का ठीकरा केंद्र सरकार ने लोगों पर फोड़ा है। चुनाव परिणाम के दूसरे दिन ही सरकार ने देश की जनता पर बोझ डालने का निर्णय लिया। चुनाव में लोगों ने बीजेपी के हिंदू मुस्लिम एजेंडे से ऊपर उठकर वोट दिया है, जिसमें बीजेपी को झटका लगा है, इसलिए जनता से बदला लेने के लिए सिलेंडर के दामों में वृद्धि की है। दिल्ली विधानसभा चुनावी नतीजों को लेकर पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, किसी वजह से पीछे रह गए हैं। कांग्रेस को आगाह करता हूं कि अपनी राजनीतिक स्थिति को दिल्ली में सुधारने का प्रयास करें, लेकिन कांग्रेस को दिल्ली में फिर से चुस्त दुरुस्त करना होगा ताकि चुनाव जीतने में सफल हों। उन्होंने जीत के लिए केजरीवाल को बधाई दी है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना शुरू की है। श्रमिक घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी, ठेले वाले और सिरपीठ पर बोझा ढोने वाले मजदूर, मनरेगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर आदि इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना से जुड़ने के लिए श्रमिकों को नजदीकी लोकमित्र केंद्र में आधार कार्ड और बैंक खाते की कॉपी साथ लानी होगी, जहां पर मुफ्त में पंजीकरण होगा। योजना में शामिल होने के लिए मासिक आय 15,000 रुपए प्रति माह तथा आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योजना में शामिल होने वाले लोगों को कम से कम 55 रुपए और अधिकतम 200 रुपए का भुगतान करना होगा। साथ ही 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। अंशधारकों से ली जाने वाली राशि के बराबर राशि सरकार भी जमा कराएगी। ये परिवार पेंशन होगी तथा अंशधारक की मृत्यु के पश्चात उसके जीवन साथी को 50% पेंशन मिलेगी। श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा जनहित में जारी। मनाली में चरस किंग पिन को दबोचने गई मंडी सदर पुलिस की कस्टडी से एनडीपीएस केस में गिरफ्तार नेपाली युवक भाग निकला। लापरवाही बरतने पर एसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने 1 एएसआई, 1 हेड कांस्टेबल व 1 एचएचसी को सस्पेंड कर दिया और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। सस्पेंड किए पुलिस कर्मचारियों का मुख्यालय पुलिस लाइन तय किया गया है। पुलिस कस्टडी से फरार नेपाली युवक को दबोचने के लिए मंडी पुलिस ने कुल्लू पुलिस से भी संपर्क साधा है। फरार शातिर को दबोचने के लिए पुलिस टीमें जगह जगह दबिश दे रही हैं। टौणी देवी के लोहाघर में गुरुवार को ड्राइविंग सीखने के चक्कर में एक गाड़ी पहाड़ी से लुढ़क गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में न गाड़ी सीखने वाला बचा और न ही सिखाने वाला। एम्बुलेंस की सहायता से दोनों को टौणी देवी अस्पताल पहुँचाया गया।
यहां पर दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान संसार चंद निवासी गबारड़ू व सुखदेव निवासी गबारड़ू के रूप में हुई है। सुखदेव सिंह बीएसएफ से सेवानिवृत्त थे। अब कोई भी शख्स ज्यादा से ज्यादा दो ही शस्त्र रखने के लिए अधिकृत होगा। जिन शस्त्र धारकों के नाम तीन शस्त्र दर्ज हैं, उन्हें अपने तीसरे शस्त्र को समीप के पुलिस थाने में 12 दिसंबर 2020 से पहले जमा करवाना होगा। इसी तरह सेना में कार्यरत शस्त्र धारकों को उसे अपनी यूनिट में जमा करवाना होगा। सभी शस्त्र लाइसेंस जो विशिष्ट पहचान संख्या न होने के कारण अवैध हैं, उनके लिए विशिष्ट पहचान संख्या अंकित करवाने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बार 217,555 छात्र बोर्ड परीक्षाएं देंगे। 15 फरवरी से 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू होंगी। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 12वीं और 10वीं के नियमित व राज्य मुक्त विद्यालय की 8वीं 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं के परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं 4 मार्च से आरंभ हो रही हैं। 10वीं व 12वीं कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों जनजातीय क्षेत्र के अतिरिक्त की प्रैक्टिकल परीक्षा संबंधित विद्यालयों में लिखित परीक्षा के पूर्व संचालित होंगी। जमा 2 की 15 से 29 फरवरी और 10वीं की 22 से 29 फरवरी तक होंगी। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए विजिट करें हिमाचल अभी अभी की वेबसाइट पर। आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।